मैं एक बार गुजरात में दांगा गया कांडला ट्रेन, अगर 1 किलोमीटर आगे से एक गाड़ी आना है भोलेनाथ के गए है, वो गाड़ी वाला तेरी पूरी साइड दबा हुआ। मैं भोलेनाथ पक्का रास्ता कच्चा दिखवा रहा, कच्चा रास्ता पक्का दिखवा रहा, नीचे फेंक दो, मैंने क्या नीचे फेंस कर लिया। एक वो आया, उन्होंने पूरी गाड़ी घुमा दी, मैं एकदम नीचे फेंक गया, मैंने उसका कुछ भी लगन दिया। जी तोड़ता आया था उन्होंने गाड़ी घुमा दे दी, सीधी कटाई ना हुई, जी तोड़ता आया था उन्होंने मुँह हो गया। एक टायर नीचे कच्चे में खाली घूमा, तीन पक्का में कच्चा में, अरे मैं उतर के आया, मैं देखा इसमें कोई ड्राइवर नहीं, बोला ड्राइवर उतर के भाज गया, भाज गया तो भोलेनाथ के गए है, ये तेरे सिर हो गया है चल रहे, ये अपना अपनी कढ़ाई चढ़ा ली, मैं डर चलो मारे मेरे अपने पैर से गया। अरे भगवान पहले जो जो सत्यात्मंद है ना, उन्हें पहले नु बताते है, अरे बेटे यू काम न होगा, अरे अरे सावधान हो जाए, लेकिन तो उसको बतावा हो भी जो अपने 24 घंटे अपने हाथ में रखो भगवान ने, ऐसे ऐसे ना बताना, ऐसे जो एंड बैंड मरो मरते रहो, ये नहीं इतने अच्छी वो कर लिया राजी हो गया, उसका दंड जरूर भगवतना पड़ेगा, चाहे भगवतना पड़ो चाहे बिना मिसाल में। ये मेडिकल क्यों भरे हैं, दुनिया भर के मरीज क्यों भरे हैं, वो भगवान दस जाते हैं और सरकार उन आदमी है मदद करे है, जो हैंड बैंड करे वो बीमार होएंगे, हैंड बैंड होएंगे सारे पड़ेंगे बड़े दागे हैं। अगर भगवान सजा तो दे है, लेकिन वह सरकार उनकी मदद करे, सच्चे आदमी मदद नहीं करती, उनकी मदद करे, सच्चा आदमी कितने भी अपनी गाय जाओ, लेकिन नुकेंगे यू और पता आ गया, एक आपकी जब पतरे पोठी करके बैठ जाने पतरे देखने लग गया, इस डाल की बात लोग करे हैं, अपने आप नहीं देखते, अगर बहस काला कम डरेगी अपने आप ना देखे, बस तेरे में भी काला पड़ा है, दूसरे नुक देगा अगर कोई तो चले, तू अपने आप ने देख, अपना अपने संभाल, मन नुका लोग कहते हैं आशा पागल हो रही होगी। मैं बोलाऊंगा भाई एक बात बताओ, 10 पागलों ने दंडून बैठा दो रोड़ते हैं, अरे एक शाना रोड़ते नून बैठा दो, आने जाने वाले दोनों बुझ है, वह 10 पागल है कि एक पागल है, आन जाने वाले तो एक कर बताऊंगा ना, इकला बैठा पागल होगा, और वो नून 10 पागल बैठे हैं जो एंड बैंड क्या आएगा बेरा ने, और वो करके ना एंड बैंड रेल फूक दो, स्टेशन फोड़ दो, रेल रेल मरीमा है, अपनी गोदी में बैठा कितने कितना देर उन्हें फूक दो, स्टेशन फोड़ दो, बस फूक दो, क्या दो भाई क्या फूको, तमीन अपने घर में आगरा लो तम इन्होंने लगा ना बाजो, क्या बाजो तुमने लगा ना, ये भगत सिंह की देन है। अगर किसी ने रेल की तरफ बस की तरफ की सरकारी संपत्ति की तरफ उंगली उठाई उसका नाश कर दूंगा, उसका ऐसा नाश कर दूंगा समझ में नहीं आओगी, मैं किसी से लड़ता पूरी दुनिया में ना, मैं फांसी से लड़ता ना जेल से डरूँ, बड़े कम में डरूँ, बड़े किसी का बुरा मत हो काम का, और जब मेरी आँखें ऐसा में को दिख जाना उसका मुख कर भी जो काम न जब भाई एक को मुँह रखा दूंगा वही होगा, भगवान भी रोक सकता फिर दुनिया 80 आदमी से और याद जड़े भी देखो ना देखो मैं देख यू भी देखे वो हो रहा है वो देव लपटी डे अभी काम ही चेक लग रहा है, देखो उम्र हो ज़्यादा दुनिया में गांड गए पहले ड्राइवरी में देखा अरे ये एक दो बार तो देश बचा लिया तीसरा चंद सो रहा है, ये मनु चक्कर मान लो कैसे भी बचे कैसे बचे भगवान, ये क्यों कर बचे बहुत उड़े तीर्थ मन उड़े स्नान कर उड़े भगवान से प्रार्थना कर, एक 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 बार एक समय और दे दे महाराज, मैं प्रधानमंत्री या किसी गृह मंत्री या रक्षा मंत्री किधर किधर जरूर मिलूंगा, मिल जाएगा को अगर सच्चा तो होगा तो मिल जाएगा, ना देश में पुकारे होंगे अगर काम का भौके जाऊंगे कोई वो ना है, अगर ये सच्चे होंगे ना प्रधानमंत्री गृह मंत्री ये जितने भी ये बड़े मंत्री हैं जब सच्चे ईमानदार होंगे ना और मेरी बात सुनेंगे, अगर मैं बुलाऊंगा अरे आ जाओ भगत सिंह और मैं फिर उन्हें बताऊंगा, अगर इस देश को सदा सदा के लिए आबाद रखना है ना, अगर दो काम तो होगे राम जन्मभूमि 1870 एक काम हो रहे हैं, वो मैं सिर्फ प्रधानमंत्री गृह मंत्री रक्षा मंत्री इनको बता
बताना चाहूँ, जो सुना थे देख लो, आपकी मुट्ठी मिलते से बचाओगे, अगर इसको आवाज रखो देख लोगे आपकी मुट्ठी में।